आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई भारतीय जनता पार्टी ने आज एक लंबा सफर तय कर लिया है। कभी मात्र कुछ ही सीटों पर सिमटने वाली पार्टी अब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है। ऐसे में अब इस खास दिन को और ज्यादा खास बनाने की तैयारी पार्टी की ओर से बड़े स्तर पर कर ली गई है, जहां पीएम मोदी ने अपने संबोधन में एक तरफ कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई और उनका उत्साह बढ़ाया, साथ ही कहा दशकों तक कुछ दलों ने वोट बैंक की राजनीति की। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने बीजेपी मुख्यालय में झंडारोहण किया। कार्यकर्ताओं के संघर्ष की भी योगी ने तारीफ की। तो आपको बताते चले कि आज बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसको लेकर तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी देखने को मिली है। इस स्थापना दिवस के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं की पीठ भी थपथपाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज भाजपा अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है, इसको लेकर कार्यकर्ताओं में कितना जोश देखने को मिल रहा है? जी मुस्कान, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो कि 1980 में शुरू हुई और धीरे धीरे वो दो सीटों पे जीतने वाली पार्टी आज पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, साथ ही साथ सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी बन के उभरी है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के तमाम सूबों में अपनी सरकार चला रही है, साथ ही साथ केंद्र में चला रही है। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में 100 सीटों का आंकड़ा छूने वाली पहली पार्टी बनने जा रही है। इसी क्रम में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत के अगर बात की जाए तो पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भाजपा के पहले प्रधानमंत्री भी थे और पहले भाजपा के जनसंघ के बाद जब भाजपा बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में अध्यक्ष का जिम्मा थामा गया। तो कहीं ना कहीं उन सभी नेताओं के जो मजबूती से पार्टी के लिए काम किए, उसका एक दृश्य आज हमारे सामने है। और वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे आज 9 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हुई है, और इसके बाद हर एक मंडलों में इस जो भारतीय जनता पार्टी के गठन का समारोह के रूप में मना रही है, ये हर एक मंडलों में इस पे ध्वजारोहण करके और साथ ही साथ राष्ट्रगान करके त्योहार के तौर पे मना रही है। विभांशु, बीजेपी अपना स्थापना दिवस 7 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, इस दौरान कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, तो ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जिनको कार्यकर्ताओं द्वारा या कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया जाएगा? जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 7 अप्रैल से और 20 अप्रैल तक एक सुशासन दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। साथ ही साथ अंबेडकर जयंती जो कि 14 अप्रैल को पड़ता है, उस दिन अन्य योजना के तहत कुछ ऐसे लाभार्थियों को भी लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर 7 से देखा जाए तो 20 तक पूरे प्रदेश भर में और साथ ही साथ देश भर में जहाँ भाजपा का शासन है, साथ ही साथ जहाँ संगठन उनका पूरे देश में आज के समय है, तो हर एक जगह पे सुशासन दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। साथ ही साथ जो पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद अगर देखा जाए तो जो मजबूत कड़ी है उस पे चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को अंदर इस जो त्योहार रखा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्थापना दिवस पे, उन जो स्थापना दिवस के तौर पे पूरे प्रदेश भर और साथ साथ देश भर के कार्यकर्ता हर एक जगह पे जाएंगे। और अगर बात की जाए तो 42 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर अपने एक जन संदेश यात्रा भी निकालेगी, जिसमें शोभा यात्रा के तौर पर सभी जिलों के सभी मंडलों के कार्यकर्ता अपने पार्टी के जो कार्यालय होंगे, जिला कार्यालय होंगे, उसमें जाकर पार्टी के झंडे और उनकी नीतियों तक लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम करेंगे। साथ ही साथ जो ये कार्यक्रम चलने वाला है ये 7 तारीख से और लगभग आपके 20 अप्रैल तक चलेगा। मुस्कान विभांशु, 2014 से जो भाजपा है वो ज्यादा लोकप्रिय पार्टी के तौर पर बाहर निकल कर आई है, यानी ये 2014 से लोकप्रिय पार्टी बनी है, तो क्या लगता है कि 2014 से लेकर अब तक में भाजपा के काम से लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं?
जी मुस्कान, आपको बता दें कि 2014 से अगर बात की जाए तो जब भाजपा में नरेंद्र मोदी को कमान दिया जाता है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगभग अगर बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश या तमाम राज्यों में भाजपा का अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। वहीं 8 सालों से केंद्र में सरकार चल रही है, और वही बात की जाए 6 राज्यों में राज्यसभा के चुनाव होते हैं, वहां पे भी एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिला। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो इतिहास में पहली बार राज्यसभा में भाजपा की 100 सीटें हो रही हैं। आज तक अगर बात की जाए तो 75 साल के इतिहास में इतनी संख्या में राज्यसभा के सदस्य किसी पार्टी के नहीं हुए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो वो तमाम जनसंघ के नेताओं को अगर बात की जाए हेडग्वार की, चाहे बात की जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे, और जनसंघ के विलय के बाद जब भारतीय जनता पार्टी 1980 में बन के आती है, तो इन सभी जो नेता हैं जो पार्टी को जीतने में हर एक प्रयास किए, साथ ही साथ पार्टी को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए आज उनके हर एक जो एफर्ट थे, जो उनका एक पार्टी के लिए कर निष्ठा थी, उसका एक देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, साथ ही साथ सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी बनी है। और उसकी देन है कि 2014 से आप देख सकती हैं कि जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, उसके बाद एक कहा गया कि एक मोदी वेव चला है, मोदी की सुनामी चली है। उसके बाद आप देख सकें कि जो पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा के अंदर में अपनी सरकार बनाई, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बात की जाए तो बिहार में सहयोगी दलों के साथ गठबंधन, चाहे बात की जाए मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार, चाहे बात की जाए गोवा में, चाहे बात की जाए अरुणाचल प्रदेश में, अनेक जगहों पर जहां भाजपा का अस्तित्व नहीं था वहां पर भी सरकार बनाई। साथ ही साथ 2 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी आज अपने सहयोगी दलों को 2 सीटें दिला रही है, उससे ज्यादा सीटें दिला रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1980 में बनी इस पार्टी को 42 सालों में जो अगर देखा जाए तो प्रदर्शन के रूप में अभी अगर देखें तो वो स्वर्णिम समय चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और इसका बस एक देन कह सकें कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनकी देन की वजह से, और साथ ही साथ जो बेहतर नेतृत्व रहा है पार्टी के उच्च नेताओं की तरफ से, उसकी देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और अपने स्थापना दिवस को मना रही है, जिसमें पार्टी के अगर देखा जाए तो मुखिया के तौर पे JP नड्डा ने भी आज सुबह ध्वजारोहण किया, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उन्होंने उनके संबोधन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के हर एक मंडलों में मनाया जा रहा है, LED स्क्रीन पे पूरी भाजपा पे बनी डॉक्यूमेंट्रियों को दिखाया जा रहा है, साथ ही साथ झंडा और एक हाथ में भाजपा का झंडा लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर एक मंडलों में निकले हैं। साथ ही साथ इस जो 42 साल भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं गठन के, उस त्योहार को मना रहे हैं। जी विपांशु, भाजपा ने 42 साल अपने पूरे कर लिए हैं और भाजपा अब एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, तो जनता को कितना लाभ दिया है भाजपा की सरकार ने, या जनता कितनी खुश नजर आ रही है भाजपा सरकार से? जी मुस्कान, आप देख सकते हैं कि जनता ने जनादेश देकर हाल ही में उत्तर प्रदेश समेत गोवा और 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर रहा। वहीं अगर बात की जाए तो यूपी में सीटों का नुकसान हुआ, मगर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। वहीं अगर देखा जाए तो अभी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 8 सीटों पर निर्विरोध भाजपा जीत चुकी है। वहीं अगर बात की जाए तो आने वाले जो चुनाव है, जो कि बिहार और गुजरात समेत राजस्थान के अंदर में होंगे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी ताकत झोंक चुकी है, और आने वाले चुनाव में उसमें नतीजों में आप देखेंगी। और अगर बात की जाए तो अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपने जो पार्टी का इतिहास अगर देखें तो अब तक के अपने स्वर्णिम इतिहास और स्वर्णिम काल में चल रही है। वहीं अगर देखें तो अमित शाह और JP नड्डा जो कि आज 2014 से और अभी तक पार्टी की कमान संभाले रहे, अभी JP नड्डा प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, इससे पहले भाजपा के चालक के कहे जाने वाले अमित शाह जो कि पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में भाजपा वो मुकाम पे पहुंच चुकी है जो आने वाले समय जो पिछले समय में ना रही। और इसकी देन अगर कही जाए तो ये कार्यकर्ताओं की देन है कि कार्यकर्ता जाके जो इनकी नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाकर और पार्टी के समर्थन में वोटों को ले आए, और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जी विपांशु, भाजपा ने एक 42 साल का एक लंबा सफर तय किया है, उसके बाद अब भाजपा बेहद लोकप्रिय पार्टी बनकर उभरी है, तो 42 सालों में भाजपा के ऐसे कौन से कार्य रहे
जो लोगों के बीच लोकप्रिय रहे, या ऐसी कौन सी उपलब्धियां रही 42 साल के अंतराल में जिसको लोगों ने बेहद पसंद किया है? जी अगर बात की जाए तो 2014 के बाद एक प्रमुखता से काम आया जो कि पेपरलेस सोसाइटी, डिजिटलाइजेशन। उसके बाद अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री सड़क योजना सुचारू ढंग से चल रही है, साथ ही साथ आवास योजना, और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जो अगर अनाज योजना की बात की जाए तो इन सब योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के अंदर में एक पैठ बना ली, और जिसका नतीजा आने वाले चुनाव में दिखा और अभी हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में दिखा। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आज 42 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी उस मुकाम पे पहुंच चुकी है जो कि अगर बात की जाए तो भारत की पुरातत्व पार्टी कांग्रेस अपने जो 70 साल के शासन थे, जो उनको सत्ता, जनता ने उन्हें सत्ता में बैठाया था, वो सभी कामों को जो अधूरे रहे उसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो किसानों के लिए अगर देखें तो किसान सम्मान निधि लाकर और किसानों को एक कृषि में उनके सहायक के तौर पे उन्हें, साथ ही साथ ऐसे कई सारी योजनाएं लाए जो कि जन योजनाएं जो जनता तक पहुंचकर और उनके लिए काम कर रहे हैं, उसके ही नतीजे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने इस स्वर्णिम इतिहास में सबसे अव्वल दर्जे पहुंच चुकी है। जी विभाजु, बस में जाने से पहले आपसे एक आखिरी प्रश्न लेना चाहूंगी कि 42 साल के इस लंबे सफर में भाजपा पहली बार इस शोभा यात्रा का आयोजन कर रही है, तो इस शोभा यात्रा में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? जी इस शोभा यात्रा को मंडल वाइज रखा गया है, इसमें तमाम मंडलों के हर एक जिलों से एक कार्यकर्ता जो की भाजपा का झंडा और एक हाथ में तिरंगा लेकर शोभा यात्रा निकालेंगे। अगर देखा जाए तो 42 साल के इतिहास में पहली बार शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, और ये हर एक जिले में, हर एक जिला के कार्यालयों से और नगरों में निकलेंगे। जी धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाजपा ने 42 साल का लंबा सफर तय करने के बाद देश की अब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, यानी भाजपा अब देश की एक बड़ी पार्टियों में से भाजपा का नाम शुमार है। तो आज भाजपा अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसको लेकर मोदी ने पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया, जिसके बाद अब इस स्थापना दिवस की शुरुआत हो चुकी है, यानी 7 से 20 अप्रैल तक तमाम कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर्मियों पर हमले की साजिश की जांच में जुटी एटीएस हमलावर अहमद मुतरजा बासी को मुंबई से लेकर कोयंबटूर और दिल्ली से लेकर जमानत नगर तक के कनेक्शन खंगालने में जुट गई है। इसी के साथ ही मंगलवार को मुकदमा एटीएस को सौंपने के शासन के आदेश के बाद पुलिस ने केस डायरी समेत मुर्तजा को उन्हें सौंप दिया है। एटीएस मुर्तजा को लखनऊ लेकर जाएगी। दरअसल एटीएस इस जांच में जुटी है कि आखिर मुर्तजा बीते कुछ महीनों में मुंबई से दिल्ली, जामनगर, कोयंबटूर और नेपाल क्यों गया था, और उसके पास मजहबी किताबें कैसे आई, गोरखनाथ मंदिर का नक्शा उसके पास क्यों था, साथ ही आरोपी के लैपटॉप और मोबाइल को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जांच के लिए भेजा जाएगा। तो आपको बताते चले कि गोरखनाथ मंदिर देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है, लेकिन बीते दिनों एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को अचंभे में डाल दिया कि आखिर गोरखनाथ मंदिर के बाहर दो सिपाहियों पर हमला कैसे हो गया, जिसके बाद इस मामले पर तत्काल सीएम योगी ने एक्शन लेते हुए एटीएस को बोल दिया कि वो इस मामले की जांच पड़ताल कर इस मामले की जांच में जुटे। वहीं सीएम योगी ने खुद घायल सिपाहियों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। वही इस कांड के मुख्य आरोपी मुर्तजा से जुड़ी ये भी खबरें सामने आ रही थी कि उसके आतंकी संगठनों से तार जुड़े हो सकते हैं, और वही अब इस मामले की पूछताछ के लिए एटीएस की टीम अब मुख्य आरोपी को लखनऊ लेकर आ रही है। वहां से प्रशासन का काफिला रवाना हो चुका है और वो आरोपी को आगामी पूछताछ के लिए, यानी कि और आगे पूछताछ के लिए वो लखनऊ लेकर आ रहे हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एटीएस की टीम गोरखपुर से रवाना हो चुकी है, तो क्या कुछ अपडेट है अभी तक इस मामले को लेकर आपके पास? एटीएस की टीम यहां से रवाना हो चुकी है गोरखपुर से, और लखनऊ के लिए देर रात अचानक ही हमें वहां
लेकर के यहाँ चले गए, हो सकता है वहाँ उसका नार्को टेस्ट भी किया जाए। ऐसे में हम खुद पुलिस लाइन में खड़े हुए हैं जहाँ उसको रखा गया था। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे पूरी चाक चौबंद कर दी है, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस लाइन के बढ़ा दिया गया है। यही वो मुर्तजा रहता था और आपको दिखा दें कि इस पुलिस लाइन से अब हालांकि लोग आ जा सकते थे, अब मीडिया के लिए जाना यहाँ पे प्रतिबंधित है अभी, और बाहर से यहाँ पे रोक लगा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है कि कोई अंदर ना जा सके। पुलिस के आला अधिकारी या कुछ पुलिस कर्मचारी यहाँ जा सकते हैं या जिनका अंदर आवाज पड़ता है वो जा सकते हैं, इसके अलावा किसी के भी जाने की एंट्री नहीं है और अभी भी नहीं है। और ऐसे में बता दें कि पुलिस इसकी जांच कर रही है। हालांकि सिद्धार्थ नगर जहाँ से उसने हथियार खरीदा था, धारदार हथियार, उस दुकान की भी पुष्टि हो चुकी है और उस पर भी पुलिस जाकर के एटीएस वहाँ पे जाकर के पूछताछ कर रही है, उस दुकानदार को भी उठाया गया है, उससे बातचीत हो रही है। हिमांशु, आरोपी के साथ पुलिस का काफिला वहाँ से कितनी देर में रवाना होगा? पुलिस का काफिला जो है यहाँ से रवाना हो चुका है। देर रात आपको बता दें कि आनंद सुरंग में यहाँ से लखनऊ के लिए काफिला रवाना हो चुका है मुर्तजा को लेकर के। कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वहाँ से जो काफिला है वो रवाना किया गया है? जी बता दें कि इस मुर्तजा के साथ उसको लेकर के जाने की टीम थी, वो एटीएस की टीम थी, उसके साथ एसटीएफ भी लगी हुई थी और पुलिस की भारी बल लगे हुए थे ताकि उसको सुरक्षा व्यवस्था के साथ लगाया जाए। काफिले के साथ उसको लेके गया गया है और बाय रोड उसको लेकर के यहाँ से लखनऊ ले जाया जा रहा है जहाँ उसकी पूछताछ होगी। और कड़ी जानकारी, क्योंकि एटीएस के सारे आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, गोरखपुर में घर बनाए हुए थे और पुलिस लाइन में मौजूद, उससे पूछताछ हो रही थी, लेकिन अब उम्मीद लगाई जा रही है कि वहाँ ले जाकर के उससे नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। हालांकि इसमें पुलिस जो है दबिश से दबिश किए जा रही, छापेमारी की जा रही है और इसके आतंकी कनेक्शन से ही खंगाल रही कि कहीं कोई आतंकी कनेक्शन मिल जाए। इसके लिए मुंबई से लेके जामनगर तक पूरी तरह से और दिल्ली से कोयंतु तक पूरी तरह से जांच कर रही है, उसके कनेक्शन को खंगाल रही है। हिमांशु, मुख्य आरोपी को लखनऊ लाया जा रहा है तो लखनऊ में वो सबसे पहले कहाँ लाए जाएंगे? आखिर कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पर उनसे पूछताछ की जा सकती है? देखिए, लखनऊ पुलिस लाइन में उसको ले जाया जाएगा जहाँ पे स्पेशल एक पूरी तरह से सेल बनाई जाएगी। इसके बाद उसको एटीएस के ऑफिस ले जाएगा जहाँ पे वो रहेगा, वहीं पे उससे पूछताछ होगी और इसके बाद उसका मेडिकल करा के उसका जो है नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है। हिमांशु, ये जो गोरखनाथ मंदिर पर ये हमला हुआ है ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर को एक सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है, तो आखिर क्या वजह रही जो इतनी बड़ी लापरवाही हो गई? कोई एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। जी बिल्कुल, गोरखनाथ मंदिर क्योंकि हमेशा से ही कड़ी सुरक्षा के बीच में रहता है और दूसरी चीज ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि मुखिया है उत्तर प्रदेश के, वो अक्सर ही वहाँ दौरा करते रहते हैं और जाते रहते हैं, उनका निवास स्थान है वहाँ पे, और ऐसे में वहाँ पे इस तरह की घटना होना बहुत बड़ी चूक है, इसको आप मान सकते हैं प्रशासनिक चूक है। धन्यवाद हिमांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गोरखनाथ मंदिर में हमला हुआ है उसको लेकर अब मुख्य आरोपी को लखनऊ लाया जा रहा है। गोरखपुर से काफिला रवाना हो चुका है और लखनऊ में मुख्य आरोपी को पुलिस लाइन में रखा जाएगा, साथ ही उसे पूछताछ भी करी जाएगी, क्योंकि अब ऐसा तथ्य भी सामने आया है कि आरोपी जो मुख्य आरोपी है उसके कोई आतंकी संगठनों से तार जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।